जुडिशल कॉम्प्लेक्स की ईंट से ईंट बजाते मुल्तान की आला व मातहत अदालतों के वकला का मुतालबा था कि उन्हें पुरानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की इमारत में मुंतकिल किया जाए या फिर इस नए कॉम्प्लेक्स में सहूलियात फराहम की जाएं। वकला का मुतालबा था कि उन्हें नए कॉम्प्लेक्स में चैम्बर्स, मस्जिद, वॉशरूम और पानी की सहूलत दी जाए। वकला का कहना है कि एक माह पहले रातों रात कचहरी को इधर मुंतकिल करके वकला के साथ धोखा किया गया। मुकम्मल सहूलियात फराहम करने पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स की इंतजामिया को एक माह की मोहलत दे रखी थी जो आज खत्म हो गई। वकीलों का मौकफ है कि आज का एहतजाज पुरअमन था। ये किस तरह से पुरअमन है, थोड़ा सा इसे आप क्लियर करें। हमने क्योंकि कल अनाउंस किया था कि हम यहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए ये मैनेज किया गया है। ये वायलेंस जो है ये हमारी तरफ से नहीं है। आप देख रहे हैं कि हमारे वकला पुरअमन बैठे हुए हैं और हम इंशाल्लाह पुरअमन एहतजाज करेंगे। वकला ने डंडों का इस्तेमाल करते हुए जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के कमरा अदालत और जजेस के रूम्स के शीशे तोड़ डाले। इस मौके पर खवातीन वकला भी पेश थीं। रिकॉर्ड रूम्स की अलमारियां गिरा दी। वकला ने अदालतों में पड़ा फर्नीचर तोड़ डाला, बोर्ड उखाड़ फेंके और पुलिस मौके पर मौजूद तो रही लेकिन कोई एक्शन ना लिया। वकला का ये एहतजाज 2 घंटे तक जारी रहा। बाद में वकला नारेबाजी करते हुए जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की इमारत से बाहर निकल गए। पुलिस ने अब तक एहतजाजी वकला के खिलाफ ना तो कोई कार्रवाई की ना ही कोई गिरफ्तारी हुई।